अली साहब, आप हमारे मेहमान हैं। हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए चिराग के जिन अली साहब को बाइज्जत मौत के घाट उतार दिया जाए। सर जिन कर वापिस अली साहब। जीराला, ये बड़े भाई साहब कौन है? जुनैद, हमारा चिराग का जिन। जुनैद, जुनैद साहेब, आज मेरी नजरों में आपका कद बहुत ऊंचा हो गया है। खुशामद जिंदगी की जाती है, मौत की नहीं। और ये आपकी मौत है। जुनैद, जुनैद, मेरी सास, जुनैद, मेरी सास, अलादीन, जीनू। इतना बुरा हुआ पर क्यों? जब बेटे पास थे तब उन्हें खोने का डर था, आप ये डर क्यों? ऐसे दिल क्यों घबरा रहा है? बेटे चाहे कितने भी दूर चले जाए पर मां के दिल के हमेशा करीब रहते हैं। या अल्लाह, तेरा एक बेटा तेरे पास है और दूसरा पता नहीं कहां। एक माँ बस इतनी ही दुआ कर सकती है, मेरे दोनों बेटों पर अपना रहम बनाए रखना। जिराग के जिन,
इन्हें छोड़ दो। हमने कहा इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। अली साहब, हमने सोचा था कि हम आपकी जान ले लें, लेकिन दोस्ती बीच में आ गई। अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी कैसी होती है? दुश्मनी होती तो आप जिंदा नहीं होते। लेकिन क्या करें अली साहब, क्या करें? आपसे एक रिश्ता संबंध में है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए वजीर आला। चलिए बताइए, क्या सुना आपने? क्या सुना? हम बता दें, आपने राज से कायनात के बारे में सुना। और अब तो आप हमारे जिन से भी रूबरू हो चुके हैं। सारे पर्दे खुल चुके हैं। हर एक राज आप जान चुके हैं। पर फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा वजीर आला कि दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका आप हैं। यकीन कर लीजिए, क्योंकि ये जिन वही करता है जो हम इसे कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है वजीर आला। माना की उम्र में आप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, इतना बड़ा जिन, आपकी बात मानेगा? आप जो कहेंगे इसे ये वो करेगा? आपको हम शक है? ठुमका लगाने को कहेंगे तो क्या लगाएगा? लगाएगा मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, कहिए। ये हमारा हुक्म है। यकीन आया आपको अली साहब? यकीन? बेहतरीन वजीर आला। देखिए उमराव जान। माफ कीजिएगा, वो आपने इतना अच्छा नाचा ना कि मेरी जुबान फिसल गई। जिन जी थोड़ा नीचे आइए ना, आइए ना। चिरागे जिन, मुझे माफ कर दीजिए, ना जाने मैंने आपको क्या क्या कहा। ढोल, मोटू, कद्दू, तरबूज, फूली हुई रोटी, आलू का पराठा, हाथी का अंडा, भैंस की। अरे आप नाराज मत होइए, अब से मैं आपको ये सब कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए जिन जी। ठीक है, लेकिन पहले तुम वादा करो कि अगली बार मेरी बेइज्जती नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं आपकी बेइज्जती इज्जत से करूंगा। मतलब ये कि अब मैं आपको ढोल नहीं बुलाऊंगा, जनाब ढोल साहेब बुलाऊंगा। जनाब ढोल साहब, माफ किया। शुक्रिया जिन जी। ढोल साहब,
हमें सोन मीनार पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है अली, और अच्छी बात यह है कि तुम हमारी ताकत और हमारे जिन दोनों से वाकिफ हो। अब हमें धमकाने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। चाचा, दूर दूर से बहुत देख लिया, अब तूफान में कूद पड़ने का वक्त आ गया है। मैं अंदर जाकर सफर को सब बता दूंगा कि मैं उसके सच के बारे में सब जानता हूं। आका, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कमीना जफर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। नकचड़ी, जिनी मिनी और उनके साथ लापता कई मासूमों की जान खतरे में है। सोन मीनार और राजे कायनात की वजह से इन सबकी जान खतरे में है। इनके आगे मेरी जान कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर जाना होगा और सफर को सब कुछ बताना होगा। तुम फौरन जाके पलबू चाचा को सब कुछ बताओ, ठीक है? ठीक है। खतरा तो बहुत बड़ा था, पर बड़े फायदे के लिए बड़ा खतरा उठाना पड़ता है। तुम खतरा उठाने की बात नहीं कर रहे हो, जनाजा उठाने की बात कर रहे हो। अगर हमारी दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खुल गया तो हमारी दुनिया की रुई बर्बादी की आग में जल जाएगी। हम जानते हैं बुल्लू। कौन है बुल्लू? बुल्लू कौन है? बुल्लू बुल्लू तुम। हम तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों को ऐसे ही नाम दिया करते हैं। बुल्लू लू लू लू, कितना मासूम बच्चा है। अले ले 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 ले। जब शक्ल मूंगफली की जैसी हो ना तो बादाम जैसी बातें नहीं करते। क्या कहा? हमारी शक्ल है मूंगफली जैसी और तुम्हारी बादाम जैसी। याद रखना, हमें बादाम तोड़ने का भी 1500 साल का तजुर्बा है। ए, तजुर्बे के पेड़ से पत्ते गिनने वाले लंगूर, मैं तुझे मुंह लगाना नहीं चाहता। वो तो तुझे अपने लाडले की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। पता नहीं मेरा लाडला किस हाल में होगा, उसकी जिंदगी का कबूतर कौन से जाल में होगा। वाकई ये पता करना तुम्हारे जैसे बच्चे को सबक सिखाने से ज्यादा जरूरी है। आका जफर के सामने आ तो गए, अब अल्लाह जाने कि वो जफर आका का क्या करेगा। वो मेरा लाडला है, मुसीबत के पहाड़ को अकल की कुल्हाड़ी से काट ही लेगा। फिलहाल हमें अपने दिमाग की कश्ती को राज़े कायनात की तरफ घुमा लेना चाहिए। चंदू चंदू, हमें चंदू मत कहो बुल्लू। चंदू बुल्लू 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 चंदू बुल्लू बुल्लू बुल्लू। वज़ीर आला, आप इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा खोलना चाहते हैं? मरहबा मरहबा, आज पता चला कि आपके इरादे तो आसमान से भी ऊंचे। पर वज़ीर आला, ये दरवाजा खुलने से होगा क्या? सबर रखिए अली साहब, महबूबा और राज दोनों एक जैसे होते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं। जिन नाका के काम आए, हाथ आका के जाम आए। तशरीफ रखिए।
मैं सेब के रस में अंगूर का रस मिला के पीता हूँ। तो पी लो। वैसे वजीर आला, आपको देखते ही मैं समझ गया था कि आप दिखने में मामूली हैं, लेकिन है नहीं। मेरा मतलब यह है कि आप जितने खास दिखते हैं उससे बहुत ज्यादा खास हैं। आजकल लोग इश्क, माशूका, मोहब्बत, दौलत, इन सब का ख्वाब देखते हैं, और आपका ख्वाब आपके जिन के पेट जितना बड़ा है। hey, तुमने फिर मेरी बेइज्जती की। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे पेट को बोला। और बड़ा होना बेइज्जती? अगर मैं जफर साहब को इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कह रहा हूँ तो क्या ये बेइज्जती है? नहीं नहीं नहीं, मानो ना मानो, आप दोनों बहुत बड़े वाले हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वजीरे आला, आप दुनिया के शहंशाह बन जाएंगे। तो आपका दोस्त कहलाने में मुझे बहुत फख्र होगा वजीरे। हमें आपसे यही उम्मीद थी अली साहब। इस दुनिया और मलिका की दुनिया के बीच का दरवाजा बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा वजीर आला। आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए, सब मिलेगा, वो भी बिना किसी शर्त के। अली साहब, अब तक हम दोस्त थे, और अब दो जिस्म और एक जान बन गए। अब हमारा ख्वाब भी एक है और मंजिल भी, और परेशानी भी। मेरी बहन शहजादी यास्मीन, बाकी औरतें जो लापता हैं, हमें उन्हें वापस लाना होगा वजीर आला। राज़े कायनात को शुरू करने से पहले हमें इन सब को वापस लाना होगा। जरूर जरूर अली साहब, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस तलाश को कहां से शुरू करें। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अली साहब, आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि राज़े कायनात किसी का इंतजार नहीं करता। बचपन में भैंस खरीदी थी, चप्पल चुराने के लिए रास्ते में रुका तो भैंस खो गई। या अल्लाह, अगर वो हादसा फिर से हो जाता तो तेरा क्या चला जाता। मैंने तुझसे कौन से जन्नत मांगी थी, सिर्फ इतना ही तो मांगा था कि मेरी बीवी गायब हो जाए, वो खो जाए। तो क्या हुआ मुस्तफा, क्या तुम्हारी बीवी खो गई? सबकी ऐसी किस्मत नहीं होती शारिक भाई, आपकी बेटी गायब हो गई, इनकी बीवी गायब हो गई, लेकिन मेरी बीवी भी नहीं हुई। पिती, सारी औरतें गायब हो गई, बस नाज़नीन भाभी, तुम और मैं, हम तीनों यहाँ हैं। हाँ खाला, पता नहीं क्या राज है। राज मतलब इन दोनों को औरतों के गायब होने का राज पता है, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। हो सकता है वो हसीन हादसा फिर से हो जाए, मोटी भैंस गायब हो जाए। आका, उस जादुई दीवार ने मुझे उन कांटेदार जालियों के आगे जाने ही नहीं दिया, और देखिए ना, धूप में मेरा चेहरा कैसा हो गया। बदतमीज नौकर, हम दुश्मनों का गला काटने वाली तलवार बनते हैं, और तुमने हमें सेब काटने वाला चाकू बना दिया।
ये आखिरी बार था। आप क्या सोच रहे हैं आका? कल रात के बारे में अंगूठी छाप। जब मैंने गायब औरतों को वापस लाने की बात की तो जफर ने ज्यादा जोश नहीं दिखाया। जोश दिखाने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर अभी हमें चिनी मिनी की फिक्र है। मेरी प्यारी चिनी मिनी, पता नहीं मेरे बगैर कहां उदास बैठी होगी। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे अपने घर के नौकरों को याद नहीं करती। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? इन मामलों का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। और मार खाने का कितने हजार साल का तजुर्बा है चचा? अगर हमारी बातों का बुरा लग गया हो तो हमें माफी मांगने का भी 1500 साल का तजुर्बा है। अच्छा, ठीक है, तुम मांगो माफी। तो पहले तुम्हें हमें इस सेब की टोकरी में से ढूंढना होगा। मैं तुम दोनों को अपनी चाल के बारे में बता रहा था। और मेरी गुल्लू, यही मेरी चाल है।